हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्लम्बिंग एंड सिविल और चैनल में। तो इस वीडियो में आपको पीने के पानी के लिए कौन सी वाटर टैंक यूज़ करनी चाहिए इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी देता हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी प्लास्टो की 500 लीटर की वाटर टैंक है जो सिर्फ पीने के पानी के लिए यूज होती है। इसको प्लास्टो की कोल टैंक कहते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे जो GI का पाइप रखे वाला है उससे हम इस टंकी को होल मार लेंगे। देखिए दोस्तों, पीने के पानी के लिए हमारी जो रेगुलर वाटर टैंक रहती है वो नहीं बिठाना चाहिए। ये जो वाटर टैंक है ये सिर्फ पीने के पानी के लिए यूज़ होती है। देखिए यहाँ पे 6 लेयर की है जो प्लास्टो की गोल्ड इसका नाम है। ये वाटर टैंक का जो कोटिंग रहता है दोस्तों वो पीने के पानी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पे वाटर टैंक को ये टैंक निप्पल लगा देंगे जिसकी साइज यहाँ पे 1 इंच का ये टैंक निप्पल है हमारा। और टंकी फिट करते थे दोस्तों, एक बात याद रखना चाहिए कि उसके नीचे का जो भी कचरा रहता है उसको पहले साफ़ कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो टंकी के नीचे एक पत्थर भी रहेगा तो वो टंकी को फोड़ देता है रेगुलर रहने के बाद में, तो सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है। तो हमने 1 इंच टैंक निप्पल लगा दिया था, उसके बाद हमने उसको 1.25 इंच में कन्वर्ट कर लिया है। 1.25 इंच में कन्वर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सबसे पहले उसको एक वॉल लगा दिया है जो उसकी साइज 1.25 इंच है। ये हमारी पूरी पाइप लाइन यहाँ पे CPVC पाइप में होती है। देखिए उसके बाद ये जो है यूनियन बहुत ज़रूरी है ताकि हमें कभी भी टंकी को क्लीनिंग करना है तो यूनियन खोल के हम उसको पाइपलाइन से अलग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे उसको एयर पाइप के लिए यहाँ पे टी छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, कौन से भी पाइपलाइन की फिटिंग रहो, कौन से भी टंकी की फिटिंग रहने दो, उसको एयर पाइप देना ज़रूरी है ताकि एयर पाइप देने से जो पाइपलाइन में से पानी जाता है वो थोड़ा प्रेशर से जाता है। यही फायदा रहता है कि एयर पाइप देना। आप उसको जहाँ से पानी नीचे जाता है वहाँ पे दे तो बहुत ही अच्छा है, पर हमें यहाँ पे उसके लिए जगह नहीं छोड़ी वाली। पहले ही उसका पाइपलाइन अंदर आ चुका था तो हम उसको आड़े पाइप में ही एयर पाइप दे रहे हैं। ये हमारा आउटलेट का तो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हम यहाँ पे उसका इनलेट के लिए पाइपलाइन फिटिंग करेंगे। इनलेट का भी इसका सेपरेट कनेक्शन है जो सिर्फ पीने के पानी के टंकी में गिरेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और नए हो तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमारा नया वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। अब हमारे यहाँ पे वाटर टैंक फिटिंग हो चुका है, तो ओवरफ्लो का पाइप हम उस मालिक की सबसे डालने वाले हैं, तो उसके हमने यहाँ पे अभी कुछ भी फिटिंग नहीं करा है।